95 डिवाइडेड बाय 5 कैसे कैलकुलेट करें अभी हम सीखेंगे। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं 95 डिवाइडेड 5 या 95 बाय 5, सब का मतलब एक ही है। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिवाइड करने के लिए ध्यान से सुनना, सर्वप्रथम एक अंक की संख्या को लेंगे, कितना आ रहा है 9, ध्यान से देखें। तो ये आपका जिस संख्या का हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर किसका डिवाइड कर रहे हैं, 5 का, तो ये 5 से बड़ी है, यानी हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब 5 का पार्ट हम कितनी बार बोलें कि आपका 9 से बड़ा ना आए, ऐसी संख्या को लेंगे। देखिए एक पंजो पंजो पे पंजा रिदा, देखिए दो बार मैं पहाड़ा बोला 9 से ज़्यादा आ गया, लेकिन एक बार पहाड़ा बोला मैं 9 से ज़्यादा नहीं है, उस संख्या को लेंगे जो क्या हो, 9 से ज़्यादा ना हो। कितना आ रहा है एक बार पहाड़ा बोलने पे, 5 आ रहा है, इसको यहाँ लिखते हैं। फिर इसको घटाते हैं, 9 माइनस 5 कितना, 4 आ गया। इसके पास जो एक अंक की संख्या पड़ी है ना, इसको हम यहाँ ले आएंगे, वापस कितना बन गया, 5 से बड़ा बन गया। देखिए फिर हम 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि आपका 45 से बड़ा नहीं आना चाहिए, देखिए 5 का पहाड़ा लिखते हैं, एक पंजे पंजो बे पंजे दा, तीनों पंजा 15, चारों पंजा 20, पाँचों डी 25, छः पंजा रे 30, सातों पंजा 35, आठों पंजा 40, नौ पंजा 45। देखिए 9 बार पहाड़ा बोला, 45 खुद आ गया, भाग कितनी बार चला गया, 9 बार, कितना आ रहा है 9 बार पहाड़ा बोलने पे, 45 आ रहा है। फिर इसको घटाते हैं, कितना आ गया, 0। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, 5 को जब हम 9 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपका, 45 आएगा, ठीक है। या पहाड़े से समझ लो या गुणा से समझ लो, 5 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, जिस संख्या से गुणा करते हैं उतनी बार भाग चला जाता है। या दूसरे शब्द में जितनी बार हम पहाड़ा बोले, जैसे 9 बार पहाड़ा बोले तो भाग कितनी बार चला गया, 9 बार, जो संख्या आएगी 9 बार पहाड़ा बोलने पर उसको इसके नीचे लिखना, उसके बाद घटाना होता है। ये दोस्तों आपका क्या आ गया, भाग फल आ गया। तो 95/5 बराबर क्या लिखेंगे, अपना भागफल कितना है जो 19 है, ठीक है, क्लियर है, आसान है।